अच्छा ये जो चीज़ है इनको क्या कहते हैं जी? जी सॉरी मुझे समझ नहीं आई। अच्छा कॉयल है जी, प्लगों के कॉयल जो है ये जो प्लग जहाँ पे लगे थे उनके। ये साफ किया जा रहा है सामने, ये जैन कवर इन्होंने भाई ने लगाया है और इसके ऊपर अभी ये सिलिकॉन का प्रोसेस किया जा रहा है। ये हमारे हाजी मसूद साहब हैं, गाड़ियों की ट्यूनिंग करने में बड़ा इनका एक अपना एक अहम रोल है। काफ़ी सारे लोग यहाँ से आकर मुस्तफ़ीद होते हैं। और मसूद साहब कोई कहना चाहेंगे जी आप? क्या कहना चाहते हैं, काम कर रहे हैं। अच्छा ये अभी जो है ना ये टैपेट कवर मेरी गाड़ी का जैन कवर लीक कर रहा था, शुक्र है मैं गाड़ी लेकर आया तो इन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया और अभी आप ये देख सकते हैं कि ये बेहतरीन तरीके से इसका काम कर रहे हैं और वो भी अपने हाथ से। कोई बच्चा वगैरह ये देखें इनके साथ जो इनके आगे बच्चे हैं इन्होंने बिल्कुल उनको साइड पे कर दिया, अपने हाथों से काम करवा कर रहे हैं। ये इनकी शॉप है सामने, ये देख सकते हैं आप, ये इनकी शॉप है ये सदर। इस मार्केट का नाम क्या है जी हाजी साहब? क्यानी रोड, कश्मीर रोड। क्यानी रोड कश्मीर रोड पर हैं ये, और माशाल्लाह ये सदर से आ रही है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर, और ये इनकी कॉर्नर पर ये शॉप है। और इन्होंने काफ़ी जो है ना कोई पेट बर्ड्स भी रखे हुए हैं, कबूतर हैं, ये कहीं से भी आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा ये है जी। अच्छा ये जैन कवर अभी लगाएंगे आप ना साफ करके, इसकी सुसराई करके ये जैन कवर लगाएंगे और ट्यूनिंग भी करेंगे गाड़ी की साथ। ये कपड़ा रहता है। अच्छा ये भी आपके सामने सफाई हो रही है इसकी, सफाई करके और ये देखें बेहतरीन तरीके से। और जहाँ पे ये जैन कवर लगेगा तो उन्होंने इसको बहुत अच्छी तरह नीट एंड क्लीन कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन प्लास्टिक है ना सारा सिस्टम। जी जी लोहे का होता है तो थोड़ा सा चलता है वो। अच्छा तो इनके बकौल कहते हैं कि अगर लोहे का ऊपर से हो ना टैपेट कवर तो उसमें लीकेज के इम्कान कम से कम होते हैं, तो प्लास्टिक में हो ही जाते हैं कहीं ना कहीं। जब गाड़ी आपकी थोड़ी गर्म होती है या बहुत ज़्यादा चल जाए तो उसमें थोड़ा बहुत जो है ना इस तरह की चीज़ें। अभी ये जो मैं लेकर आऊँ ये वो कहते हैं कि अच्छा है इम्पोर्टेड है, अब ये मुझे नहीं पता कि इम्पोर्टेड है या नहीं। ये कर रहे हैं जी ये आपके सामने, ये क्या चीज़ है जी ये जो अभी वॉश करने लगे हैं इसको? ये थाटर कहते हैं। अच्छा थाटर है? हाँ थाटर कहते हैं, ये बेसिकल पहले कार्बेटर होते थे गाड़ियों में तो। अच्छा 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 कार्बेटर की जगह। अच्छा थाटर है, इसका फंक्शन क्या होता है इसका? ये कोई कार्बेटर वाला सा सेम छीटे पड़ेंगे थोड़ी। अच्छा 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 ठीक है जी, ये थोड़ा सा मैं पीछे आ जाता हूँ जी। और ये देखें इसको, इसके साथ ये जो स्प्रे है इसको किसका क्या नाम है? अच्छा कार्बेटर क्लीनर है, इसके साथ इसको अच्छी तरह ये वॉश कर रहे हैं आपके सामने। और इसके अंदर से जो भी कार्बन है जो भी कचरा है वो बिल्कुल अच्छी तरह साफ़ हो जाता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर यहाँ पर बैठ जाता हूँ तो ये देखें कि ये इसको अच्छी तरह ये साफ़ हो रहा है। ये इसको ब्रश की मदद से जो इसके ऊपर कार्बन वगैरह जमा हुई है ये इसके ऊपर जो कचरा लगा हुआ है वो अच्छी तरह उसकी सफाई कर रहे हैं, ये भी आप देख सकते हैं सामान। मैं तो इसी वजह से अपनी गाड़ी इनके पास लेके आता हूँ कि ये तसली से काम करते हैं यहाँ पर। आप ही आप इनको देखें, आप अपनी गाड़ी लेकर आएँ ट्यूनिंग करवाएँ यहाँ इनसे और बेहतरीन मुतमैन होकर आप जाएंगे, ठीक है। और ये पीछे इनकी शॉप है। और गाइस आप ज़्यादा जो है ना चमक धमक पे ना जाया करें, जो चमक धमक वाली जो होती हैं वो सिर्फ एक दिखावा होता है। ये देखें ना ये जो काम ये कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब ये इंफॉर्मेशन जो अभी मैं आपको दे रहा हूँ आप अपने आके अपने दोस्त से बाप को भी बताएँ और जो लोग जिनकी ये गाड़ियों का इशू है वो यहाँ पे लेकर आएँ और आप इंशाल्लाह मुतमईन होकर जाएंगे।
अच्छा ये जो चीज़ है इनको क्या कहते हैं जी? जी सॉरी मुझे समझ नहीं आई, क्वाइल कहते हैं। अच्छा क्वाइल हैं जी, प्लगों के क्वाइल जो है, ये जो प्लग जहाँ पे लगे थे उनके ऊपर ये क्वाइल हैं जो इनको ये साफ कर रहे हैं। अच्छा ये जैसे आप बाहर आप लोग सदर मेन पे आते हैं, ये जो बाहर ये जो रोड है बाहर, ये इसका क्या नाम है जी? कश्मीर रोड। ये कश्मीर रोड से जैसे ही अंदर आते हैं ये जो गली अंदर टर्न करती है, ये आप देख सकते हैं सामने से। अच्छा गली का क्या नाम बताया था आपने? आमर कैनी मार्केट है जी। ये देखें आपके सामने यहाँ से गाड़ी आ रही है, तो ये आप यहाँ पे आके ये कानर पैन की शॉप है, ये आप पीछे बर्ड्स देख सकते हैं, उन्होंने ये पिजन पिजन वगैरह भी रखे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये हाजी मसूद साहब के नाम से जो ये हैं मशहूर हैं काफ़ी यहाँ पे, और ये अपने हाथों से काम करते हैं। सबसे बड़ी बात जो ये है, क्योंकि ज़्यादातर आपने देखे होंगे को जो ज़्यादातर मिस्त्री लोग होते हैं, उन्होंने आगे आगे लड़के रखे हुए होते हैं, ठीक है, और उनको लगा देते हैं। लेकिन उनकी सबसे अच्छी बात जो मुझे पसंद आई है वो ये है कि इन्होंने बिल्कुल अपने हेल्पर तो रखे हुए हैं, लेकिन उनसे जो चीज़ें वगैरह मतलब ये उठा के देने करने वाली वो बात करते हैं, बाकी काम जो है ना ये अपने हाथों से करते हैं। बेशक 1 घंटा लगता है, 2 घंटे लगते हैं, 30 मिनट लगते हैं, जितना भी टाइम लगता है ये तसल्ली से काम करते हैं, और कस्टमर जो है मुतमिन होकर जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से इनके जो है प्लग हैं, ये इनको प्लग को ये जो है क्लीनर से जो है ना वॉश साफ़ कर रहे हैं, इनके ऊपर जितना कचरा है ये कार्बन है ये भी इसको अच्छी तरह ये साफ़ कर रहे हैं। प्लग को साफ करने का मतलब प्लग है, ये जो प्लग है इनको इन्होंने साफ कर दिया अच्छी तरह। तो ये टैपेट कवर जो है इसको साफ करेंगे, ये टैपेट कवर जो है ऊपर इसके ऊपर काफ़ी ऑल्टो बैक साइड का व्हील वॉश करता पे जी, चेक भी कर दी खराब है, चेक कर लेना कभी साइड दा पेगी मेरी याद ले आओ, बड़ी मकान पे चक्कर देते कोला आ जा ना आए देखो लिया और कभी सी मैं तो अरे ना कोई ना ये सकते ये टेपर कवर साफ हो रहा है, काफ़ी सारी जो है आप देख सकते हैं ये काफ़ी गंदपत चिमटा हुआ है इसके ऊपर, और इस पर इसकी पेटल की मदद से या ये कोई थिनर है आई डोंट नो, इससे ये साफ हो रहा है। ये बिल्कुल अच्छी तरह नीट एंड क्लीन करेंगे इसको, ताकि फिर इसको अच्छी तरह इसकी इसको ड्राई किया जाएगा, करने के बाद फिर इसको जो टेपर कवर लगा दिया जाएगा, और उससे पहले ये जेन कवर को जो है सिलिकॉन की मदद से वहाँ दस्पान करेंगे। ये आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक काम करने वाला लड़का वो भी आ गया है। ये जी टेपर कवर जो है इनका साफ हो गया है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये टेप कवर साफ हो गया। तो ये साफ किया जा रहा है आपके सामने, ये कैसे कवर है
मोटरसाइकिल की मदद से तो इनके जो पार्ट्स हैं गाड़ी के ये साफ किए जा रहे हैं। मदद से ये पार्ट्स अच्छी तरह साफ कर लिए हैं और ये अगला जो प्रोसेस होने जा रहा है ये प्लग जो है ये अभी ये लगाएंगे गाड़ी में। ये जाने जो प्लग है उन्होंने साफ करके ये अभी लगा रहे हैं। ये काफ़ी बेहतरीन ट्यूनिंग इन्होंने प्लग्स को पहले अच्छी तरह साफ़ किया है, मशीन पे इनको साफ़ किया है और ये अभी इनको लगा रहे हैं। ये प्लग्स की इंस्टॉलेशन हो रही है, दोबारा से री इंस्टॉलेशन अच्छा ये गाड़ी के अंदर जो सेंसर है ना। हाँ अच्छा देखना यार इसका थोड़ा सा ना टेंशन ना तारों को थोड़ा सा ऐसे करते हुए ना ये सेंस भी इस तरह साफ हो हुआ है अभी। ये बिल्कुल बेहतरीन ठीक है। अभी इसको दोबारा से वहाँ पे ये अपनी लोकेशन पे इंस्टॉल करने जा रहे हैं। हाँ भाई है क्या क्या जी ऐसा ला उसने उसने तक दस खोलेगा उसने बिल खोले अच्छा इसका नाम क्या था इस डिवाइस का जी? ये क्या था? थाटर। अच्छा ये थाटर है जी। ये थाटर का फंक्शन क्या है भाई? ये पेट्रोल एवरेज निकालती है। अच्छा पेट्रोल एवरेज निकालती है। ये देखें ये इन्होंने अच्छी तरह साफ़ किया हुआ है। ये वैसे जब भी ट्यूनिंग की जाती है ज़्यादातर लोग तो इसको साफ़ करते नहीं हैं लेकिन इसको साफ़ करवाना चाहिए। छोटा दादा काला छोटा। और आप एक अच्छे मैकेनिक के पास जाएंगे तो वो इसको निकाल के ज़रूर साफ़ करेगा। इसको थाटर कहते हैं। थाटर है ये थाटर क्या? थाटर 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 बॉडी है। लेकिन जैसे ही ये जो है ना ये मतलब ये कि आप देखें कि आप यहाँ पे टाइट हो गया ना। हाँ जी। तो उसको मज़ीद जो है ना फेंकने की ज़रूरत नहीं होती वरना चूड़ी लूज़ हो सकती है। नहीं होती टेंशन नहीं लेनी। ये टेपर्ड कवर है ना? ये टेपर्ड कवर। अच्छा अच्छा ये इसको सॉफ्ट करने का मतलब ये टेपर्ड कवर को कितना इन्होंने नीट एंड क्लीन कर दिया आप देख सकते हैं यहाँ पे बेहतरीन। और इसमें बिल्कुल भी गलती की कहीं गुंजाइश नहीं इन्हें छोड़ते ये क्योंकि ये सदर है अभी इनके जो आगे काम करने वाले हैं वो अभी आ रहे हैं माशाल्लाह। ये जो लड़के भी इन्होंने रखे हुए हैं काफ़ी कॉम्पिटेंट हैं। जैन जो है अभी लगाने लगे हैं। ये अब आप देख सकते हैं ये अभी नया लेकर आए हैं और ये अच्छा ये कैसे है जैन जी? अच्छा है ये सही है बेहतरीन। अच्छा
ये जेन्युइन जैन जो है इससे भी चढ़ाया जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखें इसका ये चढ़ाने का ये अमल है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखें। अच्छा इस पे सिलिकॉन लगेगी या चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, वो जब यूज़ में हो ना, पुराना हो, अच्छा तब ज़रूरत पड़ती है। अच्छा नए पे नहीं पड़ती। अच्छा तेरे पूछ लें उनसे एक दफ़ा, उस्ताद जी से। सही है। हाँ 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 सही है जी, जोड़ दे ला दे। हाँ ये अभी ये देखेंगे। ये अच्छा इम्पोर्टेड जैन कवर है जो अभी ये भाई लगा रहे हैं माशाल्लाह। उस्ताद जी के जो आगे ये जो ये काम करने वाले लड़के हैं ये भी काफ़ी कॉम्पिटेंट हैं। कितना अर्सा हुआ है इनसे काम सीखे हुए आपको? ये हो गए दो एक साल हो गए। दो साल हो गए। अब अपनी हाँ जी, ये जैन कवर इन्होंने भाई ने लगाया है और इसके ऊपर अभी ये सिलिकॉन का प्रोसेस किया जा रहा है। और ये सिलिकॉन लगाने का इनका जो मतलब है कि ये अच्छी तरह बैठ जाएगी, नीचे कहीं से लीकेज होने के इम्कान जीरो हो जाएंगे, ऐसा ही है ना भाई? हाँ जी, ये आ गए इनकी भी बना। ये हाजी मसूद साहब के बेटे हैं। क्या हाल है भाई, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत है, सेहत भी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान। ये यही भाई थे जो इन्होंने पीछे वो मेरी गाड़ी के वो प्लग लेकर आए हुए थे, तो ये जेन्युइन वो लेकर आए थे। अच्छा भाई, ये जो जैन कवर होता है ये क्यों लगाते हैं, इसका क्या मतलब क्या होता है? एक तो बेसिकली ये लीकेज रोकता है इंजन की। अच्छा, ये प्लग वगैरह में आयल ना जाए, प्लग शार्ट ना हो, गाड़ी मिसिंग ना करे। अच्छा, तो ये कवर करता है। अच्छा अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त है ये। सही, इंजन वगैरह में मट्टी ना जाए, कचरा ना जाए, ये इसका कवर है। अच्छा ठीक है ठीक है, इंजन कवर। अच्छा इंजन कवर, बेसिकली टैपेट कवर जिसे बोलते हैं। अच्छा, इसको टैपेट कवर भी बोलते हैं। ठीक ठीक हो गया। अच्छा, जापान वालों ने वैसे ना, जापान वाले कसर कोई नहीं छोड़ते गाड़ी बनाने में, क्या ख्याल है? सही, हर चीज़ बेहतरीन, जापानी चीज़ जापानी होती है। जी जी जी, वास माय फेस में महसूस नहीं होने लगा। ये देखें, ये स्क्रू वगैरह जो है ना इसके ऊपर ये लगा रहे हैं। और ये अच्छा, ये जैन पर बैठ जाएगा ना प्रॉपरली? सही, ये आगे सारे चीज़ें। अच्छा ये देखें, ये अभी अच्छा, ये तो चूंकि सदर है रावलपिंडी और आज लेट नाइट तक काम करते रहते होंगे इसलिए लेट आए ना? नहीं नहीं, मगरिब टाइम, मगरिब टाइम चले जाते हैं। नहीं यार, तो अभी ज़ोर हो गई है तो बस टाइमिंग है। अच्छा अच्छा, आपकी शॉप का क्या नाम है भाई? 786 ऑटो। अच्छा 786 ऑटो, ठीक है ठीक है। इन्हीं में से सबसे सीखे थे आप? हाँ जी, इन्हीं से सीखे, हाजी मसूद साहब से। चलें ये तो अच्छी बात है जी। आप यहाँ इसी गली में? हाँ जी, इसी सामने वाली गली में, फैसल बैंक। अच्छा फैसल बैंक, फैसल बैंक के साथ वाली गली में। अच्छा ठीक है। ये कॉइल्स है। अच्छा ये कॉइल्स है, देख लो किस तरह चमक रही है। ठीक है, शर्म तुम स्पीड चलाओ। बात साथ ही बताते भी जाओ ना यार, ये कौन सा आप लग ये लगा रहे हो ये चीज़ें, क्योंकि मुझे तो इसका नाम को नहीं पता। ये लगी हुई है कॉइल्स। अच्छा, जो करंट सप्लाई करती है प्लग को। ठीक है ठीक है ठीक है, ये अगर एक भी ख़राब हो जाए गाड़ी मिसिंग करने लग जाती है। अच्छा, एक कॉइल में भी मसला आ जाए ना, अच्छा किसी एक में भी, तो गाड़ी मिसिंग नहीं छोड़ेगी। ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी शॉर्ट हो जाती है। अच्छा अच्छा, इससे पहले इसको टाइट किया था नीचे जो? ये किया था सर। अच्छा अच्छा ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। गाइस, ये जो अभी जैन कवर लगा है और इसके बाद सिर्फ स्टार्ट नहीं करना, बल्कि इसका तकरीबन कम से कम आधा घंटे तक आपने गाड़ी को स्टार्ट नहीं करना, बल्कि इसी तरह छोड़े रखना है ताकि वो ड्राई हो जाए, और ड्राई होने के बाद जो है बेशक इसको स्टार्ट कर लें।
फिर फिल्टर अच्छा यार, एयर फिल्टर भी लगाया है ना। हाँ जी, एयर फिल्टर लगाते हुए कि वो वीडियो मुझसे थोड़ी मिस हो गई है। चलें खैर है, दोबारा बनाएंगे। हो गया, अब एंड में हमने लगानी है बैटरी की तार ताकि गाड़ी में कोई चेक लाइट ना आए। ठीक है, चेक इंजन ना आए। ठीक है, अब आप करें गाड़ी स्टार्ट। इसको थोड़ा टाइट कर लें, इसे नहीं अभी टाइट करना। अच्छा, करते हैं इसे। इसकी रीज़न क्यों टाइट ना करने की? ये अगर गाड़ी में चेक लाइट आ भी जाए ना तो फिर ये दोबारा उतारनी पड़ जाती है कैरी फ्रेश करने के लिए। ठीक है, ठीक है, पाँच बजे क्योंकि ये जब खेल जाती है ना तो उस वक्त आप पता है ना कि ये गाड़ी है कि बिल्कुल गाड़ी बिल्कुल ही मतलब लाइट स्विच ऑन ही नहीं होता, इसलिए ये जो है ना टाइट करने बहुत ज़रूरी होते हैं। सर जी गैस, ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, अब हम इसको ऊपर से इसका वॉलनट बंद कर दें। भाई ये स्टार्ट हो चुकी है, दोबारा से ऊपर से उठा के दोबारा बंद करें भाई। बस ठीक है, स्टार्ट हो चुकी है, अब हम जाने वाले हैं।